अब वह जा रहा है। चलिए अब वह जाएगा, क्लियर जाएगा, ठीक कर दिए। चलिए ठीक है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं सर। अरे वाह, इतना तारीफ मत कर, रो देंगे हम, इतना तारीफ करिएगा तो रो देंगे। चलिए आज का संदेश से संख्या शुरुआत करते हैं, बहुत क्लियर हो चुका है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, सेक्शन ए में आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको किन्हीं 50 प्रश्न का आंसर लगाना होगा, वो भी ओएमआरसी पे आंसर लगाना होगा। उसमें आपको चार विकल्प दिए जाएंगे, चार विकल्प में आपको किन्हीं एक विकल्प का आंसर लगाना है। और कमाल का वीडियो अपन अब शुरुआत करने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आज इस बार एग्जाम में आपका ही सिक्का उछलेगा, समझ गए। हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। चलिए क्वेश्चन आ चुका, आत्मा का लिंग निर्णय करिए। आत्मा जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? चार ऑप्शन देगा, प्रेफरेंस लगाओ क्या होगा। आत्मा की बात की जा रही है, आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, राइट ऑप्शन में ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाथ का लिंग निर्णय करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी मात्रा हाथ की बात की जाए, हाथ जो शब्द है कौन सा लिंग है? हाथ जो शब्द होता है वो है पुल्लिंग शब्द होता है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का कमाल का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सज्जन का संधिच्छेद क्या हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 के एग्जाम में धमाल मचा देगा। किसकी बात हो रहा है? सज्जन का बात हो रहा है। सज्जन का संधिच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधिच्छेद होता है सप्त जोड़ जन होता है सज्जन, राइट इस ऑप्शन में। डी वाले बच्चे का बिल्कुल लजवाब आंसर है, गज्जब का आंसर है। अमीर खान एलोम मिथु अमीर खान, चले बहुत बढ़िया। सौरभ प्रियंका शर्मा मौज कर दिए, एकदम कमाल कर, धमाल मचा, एकदम कमाल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उच्चारण शब्द का संधिविच्छेद क्या हुआ? उच्चारण, कोई भी शब्द को उच्चारण जो करते हैं वो उच्चारण शब्द का संधिविच्छेद की बात की जा रही है। तो आपके सामने चार ऑप्शन देगा, प्रेफरेंस लगा क्या होगा। चलिए कमाल का सभी का आंसर आ चुका है, क्या हुआ? उच्च जो उच्चारण होता है उच्चारण, राइट आंसर ऑप्शन में। ये बार बचा लजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उद्गम का संधिविच्छेद क्या हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बाद उद्गम की बात की जा रही है? तो उद्गम का संधिविच्छेद होता है उच्च जोर गम होता है उद्गम, राइट ऑप्शन में। बी वाले बच्चे का कमाल का आंसर है, क्या हुआ? उच्च जोर गम। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, संधि के कितने प्रकार है? संधि की अगर पूछे तो 4 या 5 प्रकार होते हैं, लेकिन संधि के जो है ना कितने प्रकार? 6 प्रकार होते हैं, राइट ऑप्शन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार जमकर सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दो, बहुत बढ़िया मुस्कान प्रजापति कमाल का आंसर आ रहे हैं। चलिए एक बार वीडियो को जल्दी जल्दी गुलशन शेयर कर दो। चलिए क्वेश्चन में 1 का राइट आंसर जो बच्चा है ऑप्शन में डी, दुर्साहस होता है, दुर्साहस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या हुआ? ऑप्शन में डी वाले बच्चे का लजवाब आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, पर आज का क्वेश्चन में गांधी जी को मौर्य के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब गांधी जी की बात की जा रही है, 4 ऑप्शन देखिए, आप प्रेफरेंस लगाओ क्या होगा। गांधी जी के मौर्य के पेड़ के नीचे जो है मत के महंत ने जगह दिए थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नामवर सिंह को किस पुस्तक का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसकी बात हो रहा है? नामवर सिंह की बात की जा रही है। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं कविता के नए प्रतिमान पर उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए वाले बच्चे का गजब का आंसर है। अब किसकी बात? नामवर सिंह की बात हो रहा है। संपर्कित तो समाज का लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह है। नामवर सिंह का जन्म की अगर बात की जाए तो 28 जुलाई को जन्म हुआ था, 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ था। अगर एग्जामिनर का दिमाग अगर थोड़ा उच्च लेवल का अगर सोचे तो कौन सा क्वेश्चन देगा? नामवर सिंह का माता का नाम क्या था? बागेश्वरी देवी नामवर सिंह के माता का नाम था। और पिताजी का नाम पूछे तो नागर सिंह, जो एक शिक्षक था, एक टीचर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसने लिखा है?
चार ऑप्शन आपके सामने देगा, प्रोविडेंशियल का क्या हुआ। नमस्ते सर, नमस्ते सुशील सिंह, नमस्ते। चलिए एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट जल्दी से शेयर कर देना। चलिए क्वेश्चन में ग्यारह कहता है, दलित साहित्य का सौंदर्य साथ आलोचना की बात की जा रही है, सबको बताए इसका लेखक का नाम क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि है क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑप्शन में एक जगह। अगर पूछे जूठन का लेखक का नाम क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन का लेखक का भी नाम है, क्योंकि अब जो है एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। सभी स्टूडेंट जितना भी फोकस है एग्जाम पर करिएगा। अब जो है फेसबुक व्हाट्सएप जो भी चलाते सिर्फ पढ़ाई के मैटर में ही बात करिएगा, हेलो हाय सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन अब जो है दो मंथ आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, दो मंथ अब रहा कहां, डेढ़ मंथ समझ गए, 45 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट चला रहे, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल करेक्ट है। आप झूठा का ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात हो तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो 30 जून को हुआ था। कब हुआ था, 30 जून को, 30 जून 1950 को जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात की जाए, सर आपको मेरा नाम निखिल से, चलिए बहुत बढ़िया। अगर इनका जो है, इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, उनका जन्म हुआ था। माता नाम मुकुंदी देवी और पिताजी नाम छोटन लाल था। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसकी बात हो, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात हो रहा है, इनको कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ। सबको पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में प्राप्त हुआ था, 1993 में परिवेशन सम्मान 1995 में प्राप्त हुआ था। अगर पूछे जयश्री सम्मान भी 1996 में प्राप्त हो चुका है, और कथा करण सम्मान भी 2000 में प्राप्त हो चुका था। राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो सम्मान है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हो चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन को सुशील कुमार सब्जेक्टिव, ठीक है। आपको देखिए सब्जेक्टिव जो है आप बना रहे, बनाने के लिए कह दिए हैं, सब्जेक्टिव जैसे ही होगा पूरा पीडीएफ आपको फ्री में सबको अवेलेबल कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मंडल का जन्म कहां हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बात है मल्ले की बात की जा रही है, चार ऑप्शन लेगा प्रेफरेंस लगा क्या होगा। मल्लिक का जन्म तो हुआ था, वह कहां पर हुआ था, मऊई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, उनका जन्म हुआ था। राइट ऑप्शन सी जगह मैं हंसते हुए मेरा आंकड़ा अपन के लेखक का नाम क्या है, मल्लिक जी। सभी अच्छे याद रखिएगा, मल्लिक जी के इनका जो है ना मल्लिक जी का मूल नाम क्या था, भरत जी श्रीवास्तव मल्लिक जी का मूल नाम था। और इनका जन्म की बात हो तो उनका 1935 में इनका जन्म हुआ था। अगर इनका मृत्यु की बात पूछे तो मृत्यु 26 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, सबको याद रखना 26 अप्रैल 1982 को इनका मृत्यु हुआ था। चलिए बहुत बने गजब का सभी का इंसान आ रहा है, ताकि आप अभी मोटे, इसलिए मोटे पेपर मुनासिब नहीं समझा लेने के लिए समझिए। अगर कहोगे तो कल मोटर पेपर करवा देंगे, लगातार दो से तीन को मोटर पेपर करवाएंगे। अरे निखिल सिंह एकदम मरे जा रहे, आंसर लगाओ यार, आंसर लगाओ, उसको आपका नाम ऑलरेडी ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन में आज का है 14, क्रिस विशाख पर जहरीला डिजार्ड में कितना जहर होता है। सबको पता है क्रिस की बात हो और जहर की बात हो तो काले नाक के 100 गुणों से भी ज्यादा जहर होता है, याद रखना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, राइट आंसर ऑप्शन मत दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। आप सबको पता है, मॉडर्न पेपर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता है, सभी सभी क्वेश्चन आपको आता ही होगा, क्योंकि हम एक नजर देखे थे तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। चलिए आज सर टेस्ट नहीं लेंगे, चलिए आपको टेस्ट लेवा लेते हैं, क्या दिक्कत है, टेस्ट लेना ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन ऑफ 15 क्राइटेरिया से क्या हुआ, क्वेश्चन ऑफ 15 क्राइटेरिया से जो चला रहे ऑप्शन मस्ती सीतापुर अन्नापुर मध्य प्रदेश, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसकी बात हो रहा है, उदय प्रकाश की बात हो रहा है, त्रिज के लेखक का नाम उदय प्रकाश है। अगर उदय प्रकाश का जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था। अगर इनका मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कब हुआ था, अभी तक तो पता नहीं, अभी तक जिंदे होंगे, अमृत भी कहा है ना, अभी तक लेखक जीवित है, समझिए। चलिए इनका जो जन्म कब हुआ था, सीतापुर अन्नापुर मध्य प्रदेश इनका जन्म हुआ था। माता का नाम पूछेगा एग्जामिनर 100% श्योर है, गंगा देवी जो है ना, गंगा देवी इनका माता का नाम था। अगर पिताजी का नाम पूछे तो प्रेम कुमार सिंह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर मॉडल पेपर सब ठीक है, मॉडल पेपर सभी करवाइए देते हैं, ठीक है सर। ये कल से जो है ना, कल सुबह से मॉडल पेपर शुरू कर देंगे, कल जो है ना 10
10 वो मॉडल पेपर करवाएंगे, लगातार वीडियो चलाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सुमंगला कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको पता है पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है, सुमंगला कुमारी चौहान है। उनका जन्म की बात हो तो उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था। अगर इनका मृत्यु की अगर बात की जाए तो मृत्यु कब हुआ था, 15 फरवरी को इनका मृत्यु हुआ था। 15 फरवरी 1948 को कार दुर्घटना के कारण इनका मृत्यु हो गया था। एक क्वेश्चन ये बनेगा, सुमंगला कुमारी चौहान का पिताजी का नाम क्या था, ठाकुर रामदास सिंह इनका पिताजी का नाम था। अगर पति का नाम पूछेगा तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान इनका पति का नाम था। चलिए बहुत बनेगा जब का आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिन किस मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसी बात हो रहा है, जिन किस मूर्ति शिक्षा का लेखक कौन है, जे किस मूर्ति है, इसे विश्व शिक्षण भी कहा जाता है। या तो मैं डिटेल में पढ़िएगा तो ही एग्जाम में करेक्ट करिएगा, 400+ नंबर, नहीं तो कोई चांस नहीं। समझिए डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है सभी को। क्वेश्चन नंबर 17 का आइटम था जो बच्चे आ रहे, ऑप्शन नंबर ए धनपाली, क्या हुआ मदनपाली चित्तौड़ आंध्र प्रदेश, क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो बच्चे आ रहे ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मदनपाली चित्तौड़ आंध्र प्रदेश उनका जन्म हुआ था। अगर इनका जन्म की बात, इनका जन्म कब हुआ था, 12 मई 1895 को इनका जन्म हुआ था। इनका अगर मृत्यु की बात की जाए 17 फरवरी को इनका मृत्यु हुआ था, 17 फरवरी 1986 को इनका मृत्यु हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया गजब का सभी का आंसर आ रहा है। आर्यस मिथुन निखिल मुस्कान प्रजापति कमाल का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लजा गगन टॉप आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में 18, कवि मलिक मोहम्मद जयसी के पिता का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करबा के रचयिता का नाम क्या है, क्या मलिक मोहम्मद जयसी जी है, और इनका जो पिताजी का नाम की बात हो रहा है, पिताजी का नाम है मलिक शेख ममरे, जिसे मलिक राजे आश्रम भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समय परेड के पीछे कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई साहब हम हिंदी का टीचर है, हम हिंदी का सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे, समझ गए। चलिए क्वेश्चन है 19, सूरदास का निवास स्थल कहां से कहां रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात हो रहा है, सूरदास की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो बच्चे आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ब्रज क्षेत्र में क्रमशः महुआ घाट वृंदावन एवं परसौली ग्राम के पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन लजबा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर सूरदास का जन्म कब हुआ था। जन्म की अगर बात की जाए तो 1478 में जन्म हुआ था। अब सबको पता है मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु की अगर बात की जाए 1583 में मृत्यु हुआ था। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निगरावत देश निरखत नंद रानिया, सबको सबको पता है क्या हुआ, छवि निरखती नंद रानिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लजबाव आंसर है। चलिए क्वेश्चन में 30, अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भूषण जी की बात हो रहा है, कविता का लेखक कौन है, कविता का लेखक भूषण जी है। भूषण जी के कविता में कौन सा रस पाया जाता है, वीर रस का, वीर कविता के भूषण जी कविता में पाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो चला रहे हैं, महाराणा प्रताप का बिल्कुल करेक्ट आंसर, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ये सभी जो है इनकी रचना का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूषण जी जन्म की बात हो 1613 में जन्म हुआ था, मृत्यु की बात की जाए 1715 में इनका मृत्यु हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया है पर निशा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, भूषण कवि के अर्थदाता कौन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूषण कवि के अर्थदाता की बात की जाए छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र साहू जी, पन्ना के बुंदेदार राजा छत्रसाल, ये सभी के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है पर कामयानी की नायिका कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामयानी की अगर बात की जाए तो उनका नायिका को सबको याद रखना है, कौन था। चलिए बहुत बढ़िया, श्रद्धा जो था इनका नायिका था, राइट आंसर ऑप्शन बी। कामयानी के लेखक का नाम क्या है, क्या नाम है जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोला कला का लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का जन्म की बात हो 1889 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जन्म ही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जरा इसका याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1889 में। अगर मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु 15 नवंबर को हुआ था, 15 नवंबर 1937 को इनका मृत्यु हुआ था। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, अगर इनका जो है कुछ
क्वेश्चन का लेवल जो हाई अप डाउन करे, अगर अप डाउन करेगा तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनका जन्म कहां हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अगर इनका जन्म पिताजी का नाम पूछे तो देवी प्रसाद साहू इनका पिताजी का नाम था। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन 25 पता को मैंने चौहान के कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा की अगर बात की जा रही है तो आप सबको पता है क्या होगा, अरे वाह कच्चा एकदम मौज कर दिए, क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा, वाह यथार्थ निष्ठ राष्ट्रीय भावधारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाल बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो भाई चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन पर 26, क्वेश्चन 26, मुन्नी कौन थी, मुन्नी जो थी वह बिजनी की बेटी थी, पुत्री थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाल बच्चे का कमाल का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन 27, किस कविता में यह पंक्ति आई है, एशिया के यूरोप के अमेरिका के विभिन्न वास्तवस्थान भौगोलिक ऐतिहासिक बंधों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान सबको पता है, सभी और हिंदुस्तान की बात हो रहा है, जन जन का चेहरा आएगा, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जन जन का चेहरा एक। अब बताइए जन जन का चेहरा एक की बात अगर की जा रही है, इनका जन्म यहाँ पर लेखक का नाम क्या है, नाम गजानन माधव मुक्ति बोध इनका लेखक का नाम है। तो लेखक का अगर नाम गजानन माधव मुक्ति बोध है, इनका जन्म भी हुआ होगा, जन्म कब हुआ था, 13 नवंबर को इनका 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु 11 सितंबर को हुआ था, कब हुआ था, 11 सितंबर 1964 को इनका मृत्यु हुआ था। बहुत ही बढ़िया लगभग। क्वेश्चन नंबर 28, इस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर साय का नाम हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रघुवीर साय की बात हो रहा है। और अधिनायक के लेखक कौन है, सबको पता है अधिनायक के लेखक का नाम क्या है, रघुवीर साय है। रघुवीर साय का जो है कौन से पत्रिका के कारण जो इनका नाम हुआ था, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो लगा रहे दिनमान, उनका कमाल का आंसर है, ऑप्शन बी जो है दिनमान। अब एक क्वेश्चन है ये बनेगा, कौन सा क्वेश्चन बनेगा, 9 दिसंबर 1929 को जन्म हुआ था, अगर मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु सबको पता है बाबू, इनका मृत्यु 30 दिसंबर को हुआ था, कब हुआ था, 30 दिसंबर 1990 को इनका मृत्यु हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, इनका पिताजी का नाम की बात हो तो इनका हरदेव साय जो एक शिक्षक थे वो इनका पिताजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ चुका है 29, किस कविता की पंक्ति है कि हर वो आदमी तो मेहनत का लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है, किसकी बात हो रहा है, कविता की बात हो रहा है, किसकी पंक्ति है। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं ना, प्यारे नन्हे बेटे, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्यारे नन्हे बेटे की अगर बात की जा रही है, प्यारे नन्हे बेटे का लेखक नाम विनोद कुमार शुक्ल है, विनोद कुमार शुक्ल की अगर बात की जाए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 को उनका जन्म हुआ था, इनका निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसकी बात हो रहा है, अशोक वाजपेयी की बात हो रहा है, अशोक वाजपेयी जो है आधुनिक काल के कवि है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अशोक वाजपेयी की बात हो रहा है, हारजीत का लेखक कौन है, हार जीत के लेखक का नाम क्या, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी का जन्म की अगर बात की जाए, 16 जनवरी इनका जन्म हुआ था, 16 जनवरी 1941 को कहां पर हुआ था, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। लाइव क्लास नहीं, ये रिकॉर्डिंग क्लास है भाई, अरे सुने, ये लाइव क्लास है, समझ गए, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है। मुस्कान प्रजापति बहुत बढ़िया, आमिर खान, अरे सबका नाम लेंगे तो आप लोग समझ गए लाइव क्लास है, नाम नहीं लेंगे तो लाइव क्लास नहीं होगा क्या। चलिए बहुत बढ़िया, प्रियंका लिख रहे हैं लाइव क्लास है, चलिए बहुत बढ़िया, एक बार वीडियो को जमकर शेयर कर दो, ज्यादा संख्या में यार शेयर करो, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका फर्ज है कि आप लोग शेयर करो। चलिए क्वेश्चन आज का 31, क्वेश्चन में 31 कहता है किस पाठ में आया है कि जैसे जैसे गिर गया दंतों का गवाकर कोई हाथी, इन किस पाठ की पंक्ति है। तो आपके सामने चार ऑप्शन लेगा, प्रबल राइट आंसर क्या होगा, ये जो है ना गांव के घर के पाठ का यह पंक्ति है, राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। अब गांव के घर का बात हो रहा है, तो गांव के घर के बात का लेखक का नाम क्या है,
गांव का घर के लेखक का नाम है ज्ञानंदर पति है। ज्ञानंदर पति का जन्म की बात हो 1 जनवरी को जन्म हुआ था, 1 जनवरी 1950 को जन्म हुआ था। इनका जन्म कहा हुआ था पथगमा गोड्डा झारखंड में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम पूछे तो सरला देवी, सरला देवी इनका माता का नाम था। यादव जी का पिताजी नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे जी था, पांडे जी समझ गए, पांडे जी चौबे जी इनका पिताजी का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, रस्सी का टुकड़ा से कहानी के रचयिता का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब रस्सी का टुकड़ा की बात की जा रही है तो रस्सी का टुकड़ा का जो है रचयिता का नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जो लारे गाइडी मोपासा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब गाइडी मोपासा का एक क्वेश्चन ये बनेगा, बड़ा ही सवाल है लेकिन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आपको बता देते हैं। इनका एक क्वेश्चन में इनका जीवन काल कब से कब तक रहा था, इनका जीवन काल 1850 से लेकर 1893 तक रहा था, किसका, गाइडिंग मोपासा का। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन पूछ देता है तो फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 33, कलर की मौत के कलर का क्या नाम था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलर की मौत की बात की जा रही है इसकी बात हो रहा है तो क्वेश्चन में 33 करेक्ट आंसर जो बचा है इवान मित्री चेक को उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा, समझ गए। चलिए इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म रूस में हुआ था, समझ गए। चलिए बात अंतोन चेकअप का कहां जन्म हुआ था, रूस में। क्वेश्चन नंबर आ चुका है पर उदंत का विलोम क्या होगा, उदंत की बात की जा रही है तो आपको पता है उदंत मतलब क्या था, खचरा होता है, क्या था, खचरा बदमाशी करता है, समझिए। तो इसका विलोम उल्टा क्या होगा, विनम्र होगा, शांत होगा, राइट आंसर में ए वाले बच्चे का लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, क्वेश्चन में पर अपमान शब्द का विलोम क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, किसकी बात हो रहा है, अपमान की बात की जा रही है तो अपना अपमान शब्द का विलोम क्या होता है, सम्मान होता है, सत्कार होता है, राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी के साथ है, इनका गजब का एकदम कराकेदार आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36, अर्थ का विलोम क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता अर्थ की बात की जाए तो आपको इति याद रखना है, राइट ऑप्शन नंबर डी होगा इति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 37, अर्थ का प्रार्थक क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थ की बात की जा रही है, किसकी बात है, अर्थ की, तो अर्थ का प्रार्थक शब्द क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर ए शुक्र उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन आपके पुरस्कार का विलोम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, अब पुरस्कार की बात की जा रहा है, सबको पता है पुरस्कार का विलोम क्या होगा, अरे किसी को अगर पुरस्कार दिया जा रहा है, अगर आप लोग क्या कहते हैं एग्जाम में टॉप करिएगा तो आपको पुरस्कार मिलेगा, सपोज करिए अगर आप सबसे नीचे फेल करे आपके घर में डंगाई मिलेगा, डंडा मिलेगा, क्या मिलेगा, डंडा पिताजी का, समझ गए। चलिए वो उसका डंडा मतलब क्या था, उसको दंड मिलेगा, राइट आंसर नंबर डी वाले बच्चे का लजब आंसर है, गजब का आंसर, इलेक्ट्रिक क्या लिख रहे हैं, ब्लू कर दीजिए, ठीक है आपको लास्ट में ब्लू कर देंगे, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर शिव का परिवासी क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव का बच्चे जो है बहुत ही शरारती हो गए, शिव का क्या मारते हैं, शिवालय मार देते देखते साथ, लेकिन नहीं रुद्र मारना है, शिव का परिवासी क्या होगा, रुद्र होगा, राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो भी बहुत कुछ सुनने को मिला, हाँ एग्जाम में अगर कम नंबर आया सुनने तो मिलेगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, मूर्ख का परिवासी, अगर मूर्ख का परिवासी की बात हो तो मूड भी होता है, अबोध भी होता है, अग भी होता है, राइट ऑप्शन में डी हो जाएगा। सुनते हो कोई कोई अगर बड़े आदमी ने आपको बोले अबोध वाला खेल का मतलब है मूर्ख वाला खेल, याद रखना। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 41, पक्षी शब्द का परिभाषा क्या होगा, सबको पता है पक्षी का क्या था, खग होता है, राइट ऑप्शन में खग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा चुका है क्वेश्चन नंबर 42, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, अगर आप लोग यश प्राप्त करोगे तो उसको आपको क्या कहेंगे, सुई कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। फटाफट आंसर लगाते रहना है और एग्जाम के लिए एकदम जमकर तैयार रहना है, लड़ाई फाइट करना है एग्जाम, एकदम कमाल का फाइट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, वह स्थान जहां सेना रहती है कहलाता है, जहां सेना रहता है वहां पर छावनी कहते हैं, छात्र रहते हैं वहां
छात्रवास कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहेंगे, किसकी बात रहा? अगर किसी भी पुरुष की स्त्री अगर मर गई हो उसे क्या कहेंगे? जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर सबको पता है, इधर होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जो कुछ भी नहीं जानता हो क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे क्या कहेंगे? उसे मूर्ख नहीं कहेंगे, उसे मूर्ख नहीं कहेंगे, उसे अज्ञ कहेंगे। जो कुछ भी नहीं जानता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसे क्या कहेंगे? अगर किसी भी कन्या का विवाह, अभी तो शादी ब्याह का माहौल चल रहा है सबको पता है, अगर किसी भी कन्या का विवाह हो गई हो उसे क्या कहेंगे? सौभाग्यवती कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौभाग्यवती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। आज जन्म पोस्ट समास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जन्म की बात की जा रही है तो आज जन्म जो शब्द है वह अव्ययभाव समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। आज कल कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में पूछेगा। किसकी बात हो रहा है? आज कल की बात की जाए, बहुत बढ़िया सुने। आज कल जो शब्द है ना हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि आज और कल की बात हो रहा है, दो का बोध हो रहा है, द्वंद्व समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन पूछा आशा का विलोम क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसकी बात हो रहा है? आशा की बात हो रहा है, समझ गए। चलिए बात करें क्वेश्चन 49 का, जो लगा रहे निराशा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर, नाक कटाना मुहावरे का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम 2023 में पूछेगा। अब किसकी बात, नाक की बात हो रहा है, नाक अगर कटा दिया मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है नाक कटाने का, मतलब अगर आप लोग एग्जाम में अगर बाई चांस आएगा तो नहीं, लेकिन अगर बाई चांस किसी का नंबर अगर कम आ जाता है क्या करेगा, मम्मी पापा का नाक कटा देगा, उसका मतलब क्या होता है, अपमानित होना, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना उल्लू सीधा करने की अगर बात की जा रही है क्वेश्चन में 51 का राइट आंसर जो चला रहे अपना काम निकालना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 52। ईट से ईट बजाना मुहावरे का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसकी बात हो रहा है, ईट से ईट बजाने की बात हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर जो चला रहे विनाश करना विध्वंस करना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 53। तराही तराही मुहावरे का क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तराही तराही मतलब होता है क्या होता है, बहुत दुखी होना, क्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 54। कार्य करने वाले के लिए शब्द का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कार्य करता, अभी इलेक्शन चल रहा है सबको पता है, अभी इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पर कुछ जगह पर चल रहा है कुछ जगह नहीं चल रहा है, तो क्या होता है कार्य करने में एक नेता होता है, क्या होता है, एक लीडर होता है, उसके आस पास जो रहता है सैकड़ों आदमी जो कहता है हमें भी वोट दे दो, वो होता है कार्य करता, क्या होता है, वो कार्य करता होता है, राइट से क्या होता है, कार्य करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर जी आप क्या लिख रहे हैं, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात हो रहा है, दांत खट्टे करना की बात हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर जो बच्चे आ रहे ऑप्शन उसी पराजित करना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 56। कमल का प्रवासी क्या होगा, कमल का प्रवासी अगर बात की जा रही है तो कमल का प्रवासी क्या होता है, जलज होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मजा आ रहा है, वीडियो को जमकर लाइक कर दो, लाइक फटाफट से स्टूडेंट कर दो, जितना हो सके ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर भी कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। अर्थ का प्रवासी क्या होगा, अर्थ का क्या होता है, घोड़ा होता है, क्या होता है, घोड़ा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। सुगंध का प्रवासी क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुगंध की बात की जा रही है, सुगंध का प्रवासी क्या हुआ, सुरभि होता है, सौरभ होता है, सुभाष होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 59। कमल नयन कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसकी बात हो रहा है, कमल नयन की बात की जा रही है, तो कमल नयन जो शब्द है वह कर्मधार समास होता है, राइट आंसर ऑप्शन में कर्मधार समास।
चलिए क्वेश्चन हमारे पास 60, समास शब्द का अर्थ क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसकी बात रहा, समास शब्द की बात की जा रही है, तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका संक्षेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61, हिमालय का विग्रह क्या हुआ, हिम जोर आलय, इसका संधि विच्छेद होता है, हिम जोर आलय संधि विच्छेद, हिमालय का विग्रह क्या होता है, हिम का आलय होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घर शब्द का परिभाषित क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घर का गृह कहते हैं, ये कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63, नीलांबर में समास पता है, नीला है हमर वो जो कपड़ा जिसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64, भारत का विशेषण क्या हुआ, अब भारत की बात की जा रही है, तो भारत का विशेषण भारतीय होता है, राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए के साथ चले उनका कमाल का आंसर लजबाग आंसर है, सोनू कुमार बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आज का 65, नाम नमक शब्द का विशेषण क्या इंपॉर्टेंट है, सुनील, प्रियंका, आमिर खान, जितेंद्र बहुत बढ़िया, मुस्कान, प्रजापति बहुत बढ़िया, आईएस एडिट जोन बहुत सुंदर, रोहित, चंद्रशेखर, चंद्र क्या लिखा था, आगे चल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर जो बच्चे लगाने ऑप्शन में नमकीन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66, जगत का विश्लेषण क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जगत की बात की जा रही है, तो जगत का विश्लेषण क्या होगा, जगत का विश्लेषण होता है क्या होता है, बात बने जगतिक, बहुत ही सुंदर ऑप्शन वस्ती वाले बच्चे का कमाल का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिंटू बहुत बढ़िया, पिंटू आंसर लगा रहे, संख्यावाचक विशेषण कौन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब संख्यावाचक विशेषण की अगर बात की जा रही है, तो संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, अरे वाह कमाल का ये क्वेश्चन में 67 करेक्ट आंसर जो लगा रहे, सैकड़ा 100 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, आदमी जा रहा है नदी शब्द है, यहाँ पर आदमी का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नदी शब्द पूछ देता है तो आप लोग आंसर लगा देते, लेकिन एग्जामिनर तो थोड़ा घुमाएगा, क्या करेगा, गोल गोल घुमाना है उसको, क्या करेगा, नदी यहाँ पर आदमी जोड़ दिया और नदी शब्द पूछ लिया, क्या हुआ, स्त्रीलिंग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन में ए वाला बचेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, निवास शब्द में उत्तर बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निवास की बात की जा रही है, उत्तर की बात, वो शब्द जिसके आगे आकर उस शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर जो चला है निवास में चला, नील गया निवास हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, सम्यक में उपसर्ग बताएं, सम्यक में किसकी बात रहा है, सम्यक की अगर बात की जा रही है, म्यक यक में क्या लगा, सम लगा, सम्यक हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाष्ठा में उपसर्ग बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाष्ठा की अगर बात की जा रही है तो प्रकाष्ठा में कौन सा परा जो है उपसर्ग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा परा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब सुक्ति की अगर बात की जा रही है, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है, सु जो उक्ति होता है सुक्ति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, उन्नति में उपसर्ग बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बात हो रहा है उन्नति की बात की जा रही है, तो उन्नति का उपसर्ग क्या हुआ, उत जोड़ उत हो जाएगा, क्या हुआ उत, उन्नति, उन्नति में क्या लगा उत लगा उन्नति हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, पर अपन में कौन सा प्रत्यय, अपन, क्या हुआ अपन हो जाएगा, पर अपन लास्ट में आता है प्रत्यय अपन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिकाऊ की बात की जा रही है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा, आओ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जगह आओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76, घुसखोर में प्रत्यय बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब घुसखोर की बात की जा रही है, क्या हुआ बात बने, तो बच्चे खोर लगा रहे हैं इनका बिल्कुल करेक्ट, घुसखोर होता है, होता है लिटखोर, समझ गए, समझ गए। चलिए बात हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 77, पठनीय में प्रत्यय बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पठनीय की अगर बात की जा रही है, पठनीय में कौन सा प्रत्यय होगा, अनिय हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 78, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब दर्शनीय की बात की जा रही है, तो दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, बहुत ही बढ़िया कमाल कर दे, प्रत्यय होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 79,
आंख कौन सा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंख की बात की जा रही है, नेत्र की बात की जा रही है, आंख जो है कौन सा लिंग होता है, तो क्वेश्चन 79 का है, जो बचला स्त्रीलिंग उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपका क्वेश्चन में आचरण का लिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचरण की बात की जा रही है, तो आचरण का कौन सा लिंग होगा, उभयलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग इनमें से कोई नहीं, क्या हुआ फटाफट आंसर लगाओ क्या हुआ, बहुत ही सुंदर पुल्लिंग बताया उसका आचरण अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 81 किस कवि की लिखी पंक्ति है, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दास दासी दास कहा, ये जो है किसकी पंक्ति है, तो क्वेश्चन में काशी का राइट आंसर जो चला रहे तुलसीदास का उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब तुलसीदास की बात हो रहा है तो तुलसीदास का जो है मूल नाम क्या था, सबको बताया राम बोला, राम बोला, उनका माता का नाम भी सबको पता था हुलसी माता का नाम था, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे भी थे, लेकिन कोशिश एग्जामिनर क्या करेगा, बच्चा को गोल गोल घुमाने का कोशिश बहुत करता है जिससे बच्चा टॉप नहीं कर सके, समझ उसमें क्या होता है, तो उसमें क्वेश्चन एक पूछेगा क्या तुलसीदास का पत्नी का नाम क्या, तो तुलसीदास का पत्नी का नाम रत्ना बली, उनका पत्नी का नाम है, याद रखेगा एग्जाम में पूछेगा, अगर पूछेगा तुलसीदास का जन्म कब हुआ तो 1543 में, 1543 में जन्म हुआ था, मृत्यु की बात की जाए 1623 में इनका मृत्यु हुआ था। इतना आप लोग याद रखना, उससे आगे दो क्वेश्चन और पूछेगा मिल जाएगा आगे जाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पाप उसी की कला, ये पंक्ति किसको अमर बनाती है, आप देखते साथ बता दीजिएगा, कविता और तुलसी की बात हो रहा है, कविता तुलसी राज कविता को अमर बनाएगी, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, अब शिक्षा गुरु की अगर बात की जा रही है तुलसीदास का, तो शिक्षा गुरु से सनातन काशी के विद्वान जो थे वह शिक्षा गुरु थे, एग्जामिनर क्या कहेगा फिर से घुमा देगा, क्या कहेगा फिर से आपको घुमा देगा, तो दीक्षा गुरु पूछ देगा, क्या करेगा तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, दीक्षा गुरु की बात की जाए तो नरहरिदास, नरहरिदास दीक्षा गुरु थे, याद रखेगा दोनों क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 84 किसने लिखा है, गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बड़े गुलशन क्वेश्चन में 84 का राइट आंसर चला रहे ऑप्शन नंबर सी, उनका 100% सही है, रघुवीर सहाय ने लिखा था जो अधिनायक के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर आप सभी का जो है हम कल पूरा करवा देंगे, जितना भी मॉडल पेपर आज का है सभी सब्जेक्ट करवा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का है 85 बाल कृष्ण भट्ट मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मोटा मोटी की बात की जा रही है, गुड इवनिंग बेगम बहुत ही लेट आए, तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर तो बचा ले 1000 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर पूछे कि तू बातचीत का लेखक का नाम बाल कृष्ण भट्ट है सबको पता है, इनका जन्म की बात हो रहा है, इनका जन्म कब हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनका जन्म हुआ था कब हुआ था सबको पता होना चाहिए, 1844 को जन्म हुआ था, अगर मृत्यु की बात की जाए 20 जुलाई हुआ था, 1844 को जन्म हुआ था, अगर मृत्यु की बात की जाए 20 जुलाई हुआ था, 20 जुलाई 1914 इनका मृत्यु हुआ था सबको पता होगा, इतना तो याद होगा। इनका माता का भी नाम सबको पता होगा क्योंकि प्रथम लेसन है, पार्वती देवी इनका माता का नाम था, पिताजी का नाम पूछे, पिताजी का नाम सबको पता होगा क्या होगा, यानी प्रसाद भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, चार ऑप्शन देगा प्रवण से लगाओ क्या होगा, बात करें बेगुम क्वेश्चन 86 का राइट आंसर जो बचा है जून 1915 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहेगा, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की बात की जा रही है, तो क्या होगा उसने कहा था कि लेखक का नाम क्या है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी है, अब गुलेरी जी की अगर बात की जा रही है उनका जन्म 7 जुलाई हुआ था, 7 जुलाई 1883 में हुआ था, याद रखिएगा समझ, इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 में इनका मृत्यु हुआ था। चलिए बात बने मुस्कान, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 87 किन विषय पर गुलेरी जी ने लेखन किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब गुलेरी जी की बात हो रहा है क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन डी
पश्च विद्या इतिहास पुरातत्व भाषा विज्ञान समसामयिक विषय ही सभी पर किए थे प्राय तो अवसर बढ़ जाएगा। गुलेरी जी के पिताजी का नाम पूछता है, पिताजी का नाम क्या था, पंडे शिवराम, शिवराम इनका पिताजी नाम था, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 88। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज सेवा की बात की जा रही है, सबको पता है समाज सेवा के लिए लोक नायक नाम से कौन प्रसिद्ध है, जयप्रकाश नारायण है, राइट ऑप्शन मुसीबत का। संपूर्ण क्रांति की बात हो रहा है, संपूर्ण क्रांति का लेखक का नाम क्या है, सबको पता है क्रांति का लेखक का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण का जन्म की बात हो रहा है, 12 अक्टूबर को हुआ था, 12 अक्टूबर 1902 इनका जन्म हुआ था। अगर इनका मृत्यु की बात की जाए 8 अक्टूबर 1989 को हुआ था, 89 याद रखना, समझिए। चलिए बात बढ़े, अमीर खुशी बेगुम बहुत ही अच्छा, रोहित इनका जो माता का नाम फूलरानी था, फूलरानी माता का नाम, पिताजी का नाम पूछे तो हर्षोदया, पत्नी नाम प्रभावती देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में नंबर सिंह का जन्म कहां हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नंबर सिंह की बात की जा रही है तो नंबर सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या हुआ, जीवनपुर में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। किस पात्र की पंक्ति है, कामनी तो अपने साथ यौवनी की शांति लाती है, सबको पता है ये पात्र जो है ये अर्धनारीश्वर की पात्र है, अर्धनारीश्वर के लेखक की बात हो रहा है, उनका लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर नाम नहीं लेना है, नाम क्या लेना है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर नाम लेना है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर को हुआ था, 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ था। अगर इनका मृत्यु की बात की जाए 24 अप्रैल को हुआ था, 24 अप्रैल 1974 इनका मृत्यु हुआ था, समझ गए। चलिए मनु देवी इनका माता नाम, पिताजी नाम रवि सिंह, पत्नी नाम श्यामावती देवी। इनका जन्म कब हुआ था, बेगूसराय बिहार में हुआ था, बेगूसराय बिहार यानी सिमरिया बेगूसराय बिहार में। क्वेश्चन नंबर 51, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर की बात की जा रही है, ये जो है ना ये एक निबंध है, याद रखिए ये जो है एक निबंध है, राइट ऑप्शन में ये जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दिनकर जी की बात हो रहा है, दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, सबको पता है, राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, किस पाठ में आया, दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जन पड़ा मानो उस पर शाम की छाया मंडरा रही हो, ये जो किसकी पंक्ति है, ये जो पंक्ति है रोज कहानी का, रोज कहानी का लेखक का नाम पूछता है, वो पूरा नाम पूछता है, सिर्फ नए नाम लेना है, पूरा नाम क्या है, सचिदानंद हीरानंद बसल अज्ञा जी, समझ। अज्ञा जी का जन्म की बात हो तो इनका सनातन जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1904 को जन्म हुआ था, मृत्यु की बात की जाए तो 4 अप्रैल को हुआ था, 4 अप्रैल 1987 में, बहुत ही सुंदर, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल करेक्ट, इनका माता नाम बयंती देवी, पिताजी नाम हीरानंद शास्त्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समय, क्वेश्चन में 94, क्वेश्चन में 94 कहता है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, सबको बताया लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, याद रखिएगा, बहुत कुछ बच्चे कहता है सुखदेव का, लेकिन लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, याद रखना, समझिए। और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि एक लेखक और एक पत्र का लेखक का नाम क्या है, भगत सिंह है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर हुआ था, कब था, 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था, और इनका मृत्यु की बात की जाए 23 मार्च को हुआ था, 23 मार्च 1931 को इनका मृत्यु हुआ था, समझ गए, इनको फांसी दिया गया था अंग्रेज द्वारा। चलिए विष्णु गुप्ता जय श्री राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए थे, सबको पता है अनेकों बार जेल गए थे, राइट ऑप्शन में सीधा अनेकों बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, सदा निराग किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया, सबको पता है गंडक नदी को निर्मित बनाकर सदा निराग लिखा गया है, समझ गए, राइट ऑप्शन में क्या बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 57, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध भावना देवी के लिए दो पहलू है, किस पाठ में है, सबको पता ओ सदा निराग की पंक्ति है, राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ओ सदा निराग के लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर जी है, क्या है, माथुर जी है, याद रखिएगा, माथुर जी की बात हो रहा है, उनका जन्म 16 जुलाई को हुआ था, 16 जुलाई 1917 को उनका जन्म हुआ था, मृत्यु की बात की जाए 14 मई 1978 को इनका मृत्यु हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97,
मोहन राकेश, आप किसकी बात कर रहे हैं? मोहन राकेश, मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन राकेश की अगर बात की जा रही है तो मोहन राकेश का कौन सा संग्रह, मतलब संग्रहों का नाम लिखे, कहानी संग्रह के नाम लिखे, इंसान के कन्हा नए बादल मोहन राकेश का है, जानवर और जानवर एक और जिंदगी ये भी है, फौलाद का आकाश बारिश ये भी है, राइट आंसर ऑप्शन मटेगा उपलब्ध सभी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, सिपाही की माँ का लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी को हुआ था, 8 जनवरी 1925 को जन्म हुआ था। अगर इनका मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 3 दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर 1972 को इनका मृत्यु हुआ था। इनका बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था, इनका माता का नाम बच्चन कौर और पिताजी का नाम रामचंद्र गुगलानी था, जो पेशे से एक वकील थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किसकी लिखी पंक्ति है? सुर कविता सुनी कौन, कभी जो नहीं नहीं फिर चालान करे, ये जो किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ना, ये नाभादास की पंक्ति है। किसकी? नाभादास की। यानी छपाए का लेखक का नाम क्या है? नाभादास है। नाभादास के जन्म की बात हो 1570 में, मृत्यु 1600 हुआ था, याद रखेगा दोनों क्वेश्चन पूछता है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 100, कविता के रचयिता का नाम क्या है? सबको पता है, नाभादास है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा आज का क्लास आप सबको कैसा लगा, सबसे बड़ी बात है आज का क्लास आप सबको कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको अच्छे से और जल्दी जल्दी पढ़ाई करना है, एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना है, तो आप क्या करिएगा, गूगल पे सर्च कर लो बिहार सेंटर, बिहार सेंटर, वहां पर मॉडल पेपर भी अब अवेलेबल हो चुका हुआ, बिहार BIHR बिहार सेंटर CENTER सेंटर, आपको सर्च करना है, गूगल पे जाइएगा सर्च कर लीजिएगा बिहार सेंटर, आपको वहां पर मॉडल पेपर शायद अवेलेबल हो गया होगा, आप लोग वहां से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मजा आया हुआ तो एक बार वीडियो को सभी से लाइक जरूर करना, और जितना हो सके आप अपने मन से दिल पे हाथ लगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और जो भी न्यू स्टूडेंट है ज्यादा देरी नहीं के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, और सभी सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, मन से शेयर करिएगा, और हाँ लाइक कभी मत भूलना, ये आपका आप पे निर्भर करता है, अगर क्लास अच्छा लगा हुआ तो आप जरूर लाइक करिएगा, आज का क्लास में मजा ही आ गया सर। चलिए बहुत बढ़िया गुलशन रोहित, नमस्कार नमस्कार नाइस मुस्कान प्रजापति। चलिए आप लोग क्लास खत्म होने के बाद आप तारीफ जितना करना चाहते हैं कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू लव यू।